ऐसे प्यार मोहब्बत देते रहो, बरसाते रहो प्यार। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई मुंतहा, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली इनकी जो स्पीच है काफी अच्छी लगती है, काफी अटैक करती है अगले जर्नलिस्ट में ना, एक नाम से ना गलत वो बर्दाश्त नहीं करती, जो मुझे चीज बहुत पसंद है। आज मैं भी शनाज के साथ मुंतहा और पाकिस्तान से एक सनी जीत शायद कोई जुड़े हुए हैं, वो इंडिया पाकिस्तान में जो भी राइट्स हैं माइनॉरिटीज को उसके हवाले से बात की जाएगी। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज एनालिसिस। मैंने यही किया कि आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं, वहाँ पे जो इंडियन आर्मी हमारे आजाद कश्मीर वाले Human right activist speaking truth here. What I just don't want to listen. Minority, we are second majority here. So talk okay. about Muslims if you I want know. to talk. Purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई suicide के बारे में वहाँ तो मैंने वही बोला ना, गंगा नदी में वहाँ पे don't like. Just tell me one thing. Tell me one thing. 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो simple question पूछ रही हूँ कि हलवाने की ये करे. बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं झूठ. मैं थोड़ी सनी जीत की तरह सच्ची, इतनी भी सच्ची तो हूँ कि एक साइड से बोलूंगी कि अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार, इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते, आपको संभाल नहीं पा रही आपकी गवर्नमेंट, आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल। डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट। नहीं नहीं मुझे बोलना पड़ेगा ना, एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मुझे बोलना पड़ेगा। डोंट टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट सिंधी पीपल, नॉट आबाद रहे। वी आर लिविंग हियर, सो शट योर माउथ, शट योर माउथ। आज हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है, एक तो है मुंतहा इंडिया कश्मीर से जो पहले भी एक दफा मेरे चैनल पे आ चुकी है, और दूसरे है सनी जीत जो पाकिस्तान के माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करने वाले सनी जीत जो कि पाकिस्तान से है एक तरफ है वो, और दूसरी तरफ इंडिया के माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली मुंतहा हमारे साथ मौजूद है, और इन दोनों से हम बात करेंगे को एग्जिस्टेंस के बारे में दोनों कंट्रीज की। और अगर हम बात करें माइनॉरिटीज को किस तरीके से राइट्स दिए जाते हैं दोनों मुल्कों के अंदर, क्या वैल्यू किया जाता है, किस तरह से एक दूसरे के जो है ना फेस्टिवल्स को देखा जाता है, लिया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खैर, थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम और मेरी ऑडियंस के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला और मेरे चैनल पर दोबारा आए। Thank you so much. Thank you, Mahavish, for inviting me again here. And namaste, adab to everybody. And काफी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के हिंदू जिनको आप माइनॉरिटी पहले ही बोल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उनसे मिलके। नहीं, मुझे भी बिल्कुल खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू महविश के आपने भी माइनॉरिटीज के बारे में कुछ सोचा और हमें बुलाया। Player is all mine, guys. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदूज जो है सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा सनी जीत, बल्कि मुंतहा को भी पता होगा क्योंकि वो ऐसी कंट्री में रहती हैं जहाँ पे इसको बड़ा जोरों शोरों से मनाया जाता है। कुछ ही रोज पहले की बात है, पहले तो मैं बात करूँ कि इंडिया जो है उसको एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, ऐसी ऐसा मुल्क कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम हर तरह के राइट्स लोगों तक पहुँचाते हैं, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसी मुल्क के अंदर एक चीज हमें एक सिनेरियो देखने को मिला, वो ये है कि रामनवमी जो कि इंडियन फेस्टिवल है उसके ऊपर जो लोग इस त्यौहार को मना रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब कुछ रोज पहले एक मुसलमानों का त्यौहार था जिसके ऊपर हिंदूज ने हमला कर दिया। तो अगर ये सारे सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो मुंतहा पहले आप मुझे बताएं कि क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कोएग्जिस्टिंग कंट्री है?
This is a very interesting question, though I should not answer this to my neighbors, but still I'll answer. Coexistence जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सब लड़ाई झगड़े तो होते हैं. सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर में भाई बहन सारे मिलके रहते हैं, ठीक है, तो उस घर में क्या होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है. डू यू बिलीव ऑन दैट? हो जाता है ना, तो घर का झगड़ा कौन संभाल लेते हैं? घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व होता है. तो आपका पहला जवाब आपका खुद से मिल गया कि घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व हो जाता है. और दूसरी बात, हम लोग डिंडोरा पीटने कहीं और नहीं जाते, नेबर्स के यहाँ नहीं जाते कि हाँ फलाना ढिमकाना ये सब हो गया. और दूसरी बात, अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए. यहाँ पे कोई मेजॉरिटी के लिए कोई अलग मुस्लिम लॉ शरिया लॉ नहीं है. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, एक ही राइट है, इक्वली एवरीबडी इज लिविंग. एंड थर्ड इज दैट आप हमारे कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, चले हमारा तो रिजॉल्व हो जाएगा. आई एम नो डाउट आई एम वेरी शेमफुल ऑफ सच रियॉट्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. आई बिलीव ऑन पीस एंड आई ट्रूली कंडेम दैट. एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप हमारे कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में, दिनेश शर्मा हिंदू लॉ मेकर ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें. तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें. एंड हमारे तो यहाँ पे माइनॉरिटी बैठे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि वहाँ का हाल क्या है. अच्छा एग्जैक्टली मुंतहा यही सवाल मेरा दूसरा सनीजीत से होने वाला था. सनीजीत, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, हाल और सूरते हाल हर तरह से देखते हैं, हमें लोगों का पता है, बट मेरी ऑडियंस जो इंडिया से मेजरली बिलोंग करती है उनको भी इस बात का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी किस तरीके से रहती है. जैसे मुंतहा ने कहा अभी कि ये सवाल आपको अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए. दिनेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख चीख के कहा कि मुझे यहाँ के मेरे मुसलमान फेलोज कहते हैं कि आप जो है इस्लाम कबूल करें, तो मुझे बताएं मैं किस बेस पे इस्लाम कबूल करूँ, यहाँ मुसलमान मुसलमान का नहीं हो रहा, तो मैं हिंदू का क्या होगा. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, सनीजीत आप मुझे बताओ कि व्हाट आर योर फीलिंग्स और क्या यहाँ पे सिनेरियोस हैं जिनमें आप रहते हो और आपको. बिल्कुल दिनेश भाई ने सही जो है उस दिन सेनेट में बात की, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें हर जगह पे फेस करनी पड़ती है यहाँ पे ना, कि मुसलमान हो जो बचपन से लेके स्कूल लाइफ से लेके अभी तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, कि हालांकि वहाँ पे मैच्योर लोग हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें ये सवाल मिलता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते. तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि दिनेश भाई ने इसका अच्छा आंसर दिया कि मुसलमान होना एक मेन चीज़ नहीं, मेन बात नहीं है. सबसे पहले इंसान होना अच्छी बात है. यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स की कीमत देख लें, राशन की कीमत देख लें, तो वो आसमान को छू रही हैं. इसी तरह आपने दयाल सिंह का वाकया देखा था कि उसने सब्सिडी दी थी, सस्ता राशन दे रहा था, सस्ती चीज़ें दे रहा था, और उसको हल क्या हुआ कि उसको मार दिया गया. इसी तरह कराची में हमारे एक डॉक्टर थे, वो आई मेडिकल कैंप लगाते थे पूरे पाकिस्तान में फ्री में, उनको भी कुछ दिन पहले जो है मार दिया गया. तो ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि इन इश्यूज़ की वजह से हम लोग मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पर इशूज़ हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि माइनॉरिटी अगर हम इंडिया होंगे हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं होंगी जो हमारे लिए यहाँ पर हैं. तो ये चीज़ें हैं. तो इंडिया को आप बीच में ना लाए, आप मुझे वहाँ की अपॉर्चुनिटीज का बोले कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है. हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अगर हम जैसे यूपीएससी का एग्जाम आपकी तरफ होता है तो हमारे पास सीएसएस का एग्जाम होता है, तो यहाँ पे हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए स्पेशली कोटा है जो कि हमेशा खाली जाता है. यहाँ पे माइनॉरिटीज उस कोटे को फिल नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं लेकिन कम है, पेपर देने वाले इतने ही, हालांकि हमारे पास सीटें हैं. इसी तरह हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं डॉक्टर्स मेडिकल की, इसी तरह हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में है 5% कोटा है. जो माइनॉरिटी जिनकी वहां कदर नहीं है उनका कोटा रख के क्या ही फायदा है. आप मुझे बोले वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज में वहां पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू. तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं, वो कोटास किस काम के है जहाँ पे माइनॉरिटीज की जानों की परवाह नहीं है. जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इश्यूज हैं, इश्यूज बिल्कुल हैं, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप यहाँ दोगले हो रहे हैं. या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म.
तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इशूज हैं हमारी तरफ, लेकिन इशूज का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से ही खफा हो जाएं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मैं बलूचिस्तान में रह रहा हूँ तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमसे लोग प्यार भी करते हैं। ये कि इशूज सिंध की तरफ हैं। हम अगर मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, हमारे पास इतने सालों से यहाँ पे कोई भी इशू देखने को ना फोर्स कन्वर्जन का, ना किडनेपिंग का, ना टारगेट किलिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंध में है, वहाँ के लोग अभी माइग्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी तादाद में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ। सिंध इज योर स्टेट राइट? देखिए मैं कश्मीर में हूँ, जो रियोट की बात महविश कर रही थी वो बंगाल में हो गया है, ठीक है? जो भी वहां पे हो गया था नो डाउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट, बट आई आंसर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, सो यू आर टॉकिंग टू मी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। डोंट टेल मी कि सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है दैट मींस कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। सही बात है, उन्होंने जैसे जवाब दिया वैसे इनको देना चाहिए था। वो तो रहा है, लेकिन हम सनी जी आप मुझे बताओ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी आपको कभी चीजें जो है डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ मुसलमानों को दी जाती है उनको मुयस्सर है आपको नहीं है? आपको किन चीजों में जो है बहुत मतलब खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं या खुद को लोगों की नजरों में जो है इस तरह से फील करते हैं कि यार मैं मुसलमान नहीं हूँ शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज कभी फील हुई? नहीं अभी तक, आज तक फील तो नहीं हुई ऐसी चीज, क्योंकि हमें लोग यहाँ पे हालांकि मेजोरिटी से ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। ये बात नहीं कि माइनॉरिटीज को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ट्रीट किया जाता है माइनॉरिटीज को। और कुछ बातें और भी हैं कि मैं ये चीज है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर जगह पे हमें कभी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार कि ये बात आप क्यों करें, बोलते ये तो हमारे मजहब में है कि हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी क्या आप आगे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने अपनी दावत दे दी, बाकी मेरा काम है कि मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या स्टेप लेना है ना। लेकिन ये है कि हमें यहाँ पर कोई तंगी नहीं है, हमारे मुसलमान बहुत कम तादाद में कश्मीर में है, मगर फिर भी हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमें उन मुसलमानों को आजाद कराना है, वो हमारे मुसलमान बहन भाई है, उन पर जरा सा भी जुल्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी आवाम इस चीज को लेकर बहुत जज्बाती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके। तो इसी तरह आप अगर हिंदू हो तो क्या आपके दिमाग में कभी आया कि हिंदू इंडिया में रहते हैं बहुत ज्यादा मेजॉरिटी अवाम में है तो अगर मैं वहां जाऊंगा मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, मैं ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मुझे और ज्यादा तरक्की मिलेगी, एक बड़ा मुल्क है और आप तो जा भी सकते हो, तो ऐसा कभी ख्याल आया? यही मैं बात करूँ, मैं 2017 में इंडिया मैंने विजिट किया था तो वहाँ पे कुछ शहरों में गया था, वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे रह लूँगा तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो मुझे पाकिस्तान में मिल रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में। वाओ, यू आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ माय फेस, यू आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ माय फेस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ माय फेस। आप सही बात कर रहे हो, 2017 में आप यहां करने के आए थे, मैंने वहां पे गुर्बत जो देखी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी, वहां पे लोग थे वो गंगा नदी में जाके जो है खुदकुशियां कर रहे थे, तो यहां पे तो ऐसा गंगा नदी इज द प्योरेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, डोंट से दिस, एटलीस्ट अगर आप यहां आए हैं आपको पता होना चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज यू आर हिंदू यू शुड नो दैट कि गंगा रिवर इज द होलीएस्ट। कोई सुसाइड के बारे में वहां मैं वही बोल रहा हूं, गंगा नदी में वहां पे डोंट लाइक, जस्ट टेल मी वन थिंग, मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, मैं हरिद्वार आया था, हरिद्वार आए थे ना जी जी, आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट राइट? जी जी पिलग्रिम विजिट। तो पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके जॉब लेके सामने कौन आता भाई, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बात में देखी ना वहाँ पे रोडों पे लोग सो रहे थे, अभी माइनॉरिटी आपको आपकी ऋषिकेश तो चली जाए, एक बार आप ऋषिकेश की तरफ चली जाए, मैंने भी बोल दी माइनॉरिटी, आपकी होस्ट जो है आपके मुल्क की वो आपको माइनॉरिटी बोल रही है, तो आप वो अपने मुल्क की हालत देख के उसके बाद हमारे मुल्क के बारे में बात करें, अगर आपको अभी इफ यू आर टेलिंग दैट मेरे मुल्क की हालत अभी भी मेरे हिसाब से वहां से बेटर है, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा लेकिन मैं अगर लाइफ की बात करूं तो हाँ हम यहां पे खुश हैं, हमारे साथ जाहिर सी बात है, जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है तो आप तो आई थिंक कुछ ही परसेंट में है, मुस्लिम सेकेंड मेजोरिटी पे है इंडिया पे, तो आप लोग ने खुद ही कैसे सोच लिया कि कश्मीर कश्मीरियों को हमें आजाद करना है, आपको शर्म नहीं आती ये सब सोच के? फिर
जब आपने नहीं नहीं हम लोग ऐसा आप देखिए आप अभी कुछ भी बोले वी आर हैप्पी विद इंडिया वी शुड वी आर नॉट एक्चुअली प्रूविंग इट. सेकंड थिंग इज हमें आपका आप मुझे ये बात बोले इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म सिंध में आपने अभी बोला कि वहां पे मारा जा रहा है यहाँ पे तो कहीं मारा नहीं जा रहा है तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गंगा में अगर इश्यूज पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी मिनोरिटीज के साथ इश्यूज है हम लोग देखते हैं एंड होंगेस्ट रिवर हियर इन इंडिया एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि वहां पे सुसाइड कर रहे हैं आप मुझे एक भी रिपोर्ट बता दो या एक भी कोई डेटा ऐसा भेज दो राइट नाउ जहाँ पे ये सब है या तो आपकी न्यूज फैक्ट्री या पागल हो चुकी है या तो आपकी न्यूज फैक्ट्री या गलत है या तो आप जो इधर आए हो ना देखने के लिए शायद आपने वो सच में कहा सुनूंगा मैंने ये जब मैं ऋषिकेश आया तो वहाँ के लोगों से मैंने ये बात सुनी है ऋषिकेश में हमारे रिश्तेदार है तो उन्हीं ने हमें बोला था कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते वो भी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए तो मैं तकरीबन एक हफ्ता उन्हीं के घर में ही था. No, हो चुका था अगर आप बोलेंगे तो इसका सेकंड पार्ट जरूर आपके लिए लाएंगे तो टाइम थोड़ा होने की वजह से एक पार्ट में आज लाए हैं वीडियो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी सच्ची में बहुत ही ज्यादा अक्लमंद जिसको मैं बोलूंगी ना क्योंकि वो उनका जवाब देने का तरीका तुम्हें भी पता है कि कितना ज्यादा अच्छा है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुंतहा मेरी फेवरेट है मुझे उनसे मतलब उनका सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जैसे कि उन्होंने मुझे उनकी बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने जैसे कि महविश जी जो है उन्होंने बात की कि इंडिया में इस तरह से वाकयात हो जाते हैं कि रामनवमी जैसे कि फेस्टिवल गुजरा वहां पे मुस्लिम्स ने अटैक कर दिया जब मुस्लिम का फेस्टिवल था तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने किसी एक जगह की बात नहीं की मैंने ये बोला कि इतने मतलब एक घर है जैसे क्योंकि एक कंट्री होता है एक घर की तरह ही होता है तो बहन भाइयों में लड़ाई हो ही जाती है जहाँ पे इतने ज्यादा रहते हो तो फिर हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम आप लोगों को ना बोलते हैं आप आके हमारे जो मैटर है उनको सॉल्व करें. तो यहाँ पे सनी जी जो है इन्होंने बात की कि मैं पता नहीं कौन से शायद एरिया से हूँ लेकिन दूसरे सिटीज में मतलब सिंध में इस तरह से हो रहा है तो वो बोले कि मैंने एज अ मतलब हिंदुस्तानी बात की अपने पूरे कंट्री को लेके बात की मैंने ये नहीं किया कि मैं किसी एक एरिया की बात करूँ कि यार ये इस एरिया में ऐसा हुआ तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो ठीक है यार हमारे एरिया में तो नहीं हो रहा ना. बहुत अकलमंदी से इन्होंने जवाब दिए और मुंतहा जी के पास काफी ज्यादा आप लोगों को पता है नॉलेज है उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से इकट्ठी की हुई होती है तो उस बाद भी इंटरव्यू पे आती है ना तो वो बहुत से एक जो भी उनके पास सामने क्वेश्चन होता है वो उसका बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है. और उन्होंने गंगा नदी की बात की कि आप एक भी कोई दिखा दें क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा पाक माना जाता है उस पे कोई भी जाकर खुदकुशी नहीं करता तो ऐसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना पाकिस्तानियों का काम शुरू से ही रहा है. हालांकि हिंदू हो गए बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से तो वो महविश नाज को भी इन्होंने काफी ज्यादा बोला कि आपको पहले ही उन्होंने माइनॉरिटी साबित कर दिया है क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हिंदूज है वो माइनॉरिटीज में वो आपको मेजोरिटी में समझते ही नहीं है तो इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि इनको कितने ज्यादा मतलब जो है राइट्स दिए जाते हैं इस चीज से. तो काफी अच्छा इंटरव्यू था मुझे इनकी बात सुनकर बहुत बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में. थैंक यू.